कि मैं बहुत नीचे उठो आदमी में फैमिली में मेट काम शुरू करियो गाँव को अच्छा नहीं है गाँव में बैठे गाँव ठाणी में बैठे आदमी की तकलीफ है बुराई बुराई करा दूसरे समाज दे के मटे विष्णु के आपको करे विष्णु मेरे घराली आज हावण पटे हो पुरुष कण पटे गड्डी पटे दिन भर काम करे आदमी को तकियो देर हो कॉमेंट मार खिलाफ बहुत बहुत धन्यवाद बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज मानेड़ा गांव में गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान का बहुत ही भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और कलश स्थापना इस मुबारक मौके में आप सबने मानेड़ा के विष्णु समाज और आस पास पतरुड़ा सभी विष्णु समाज में हमारी तरफ बहुत बहुत बधाई देनी चाहूँ कि आप शानदार मंदिर बना और आज रामनवमी के दिन कलश की स्थापना करी वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ। आपने बीच में लगातार 5-6 दिनों कथा कर रिया आसन माते बिराजुड़ा स्वामी रामाचार्य जी मंच माते बिराजुड़ा आप रहा इस मंदिर निर्माण कमेटी का अध्यक्ष लक्ष्मण जी भवाड़ मन लोड रा प्रधान पूर्व प्रधान भाई भागत बेणीवाल जी जिला परिषद से रेशमा राम जी बोन जी कणा राम जी चौधरी साहब केसरी चंद जी बाबू राम जी सिया एत राम जी पूर्व सरपंच साहब अशोक जी मानेवड़ा और आस पास थर हाथ खेड़ा गया करे हाथ खेड़ा उनकार हाथ खेड़ा उनकार पदरुड़ा सभी धर्म प्रेमी सजनों माताओं बहनों नौजवान साथियों और पत्रकार बंधु आज चूंकि लक्ष्मण राम जी माने बुलाओ दियो कि कल से स्थापना 9:15 बजे तक हो और स्वामी जी कल से स्थापना करी मेरे की मीटिंग है धर्मसभा तो 11 बजे के बाद में हुई हिसाब थोड़ा मैं लेट पहुंचे इन वास्ते आपने बहुत बहुत आप माफी चाहूं। आज इस रामनवमी के मौके पर स्वामी जी कथा करी पूरे गांव में आस पास में धर्म को माहौल बनायो गुरु महाराज जाम्बो जी को आपने रास्ता बतायो ऐसा दूसरा संत हमेशा आपने रास्ता बतावे क्यों नहीं पीढ़ी ने केठा पड़ेगा बा विष्णु के और कद विष्णु बिड़ार के इन वास्ते साधु संत ने समय समय माते धर्म सभा करने जरूरी हुए कथा करनी जरूरी है गुरु जामवाणी जामवाणी हरी कथा करनी जरूरी है इन वास्ते जरूरी है 550 वर्ष हो गया गुरु महाराज जो को संप्रदाय चलायो जो को पंथ चलायो जो को रस्तो आपने बतायो इन रस्ते नई पीढ़ी ने जगह आज जन्म टाबर अपन के ध्यान है कि अपन के रस्तो है अपन गुरु महाराज के संदेश दियो इन वास्ते कथा आपने सुनी निश्चित रूप में आप श्रवण करी हुई इन वास्ते आप सब लोगों ने मैं धन्यवाद देने चाहूँ बधाई देने चाहूँ मानेवड़ो एक छोटो गांव होते हुए मार्केट पूरी जानकारी मिली कि माने उड़े गांव के बाहर कोई चंदो नहीं लियो आपके गांव गांव के चंदो ले और आलीशान 1.5 करोड़ को शानदार थे मंदिर बनाए इन वास्ते माने उड़े लोगों ने हमारी तरफ बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। लक्ष्मण जी की मेहनत हीरा राम जी को भी गाँव है आभार माने हीरा राम जी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम है अबार गेट मत मिला मैं स्वास्थ्य की जानकारी ली उम्र भी है खूब समाज में सेवा हीरा राम जी भी करी इन वास्ते आप सब लोगों ने धन्यवाद देना चाहूँ क्योंकि मारे समय हो गयो कई लोग मेहमान पहला भी मन जानकारी मिली सब लोग पहला भी आया पधार गया आप सब लोग धन्यवाद देनी चाहूँ मन ध्यान भरोसो माने भरोसा हो गए माने उड़ा राजा सर का और मांगा हाथ खड़ा का मिनक बड़ा मजबूत है थे मैं है जितनी बड़ी बड़ी निश्चित रूप हूँ बहुत निड रूप हूँ बहुत शांति में बैठा रहे वास्ते मैं थाने में धन्यवाद देनी चाहूँ। आज सब लोगों ने आशीर्वाद हूँ गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान का आशीर्वाद हूँ मेरे जेड़े साधारण किसान के बेटे ने साधारण विष्णु के बेटे ने भी आशीर्वाद थे लोगे दियो मन राजस्थान की विधानसभा में जाने को मौको मिलो इन वास्ते आप सब लोगों ने मौके मत आई कहनी चाहूँ कि ज्यादा क्योंकि आने वाला समय आज देश तेजी आगे बढ़े देश में तेजी आगे विकास हुए देश में चकाचौंध को माहौल है आईटी को जमाना आ गयो आईटी को जमाना आ गयो देश बहुत आगे बढ़ गयो है इन वास्ते ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मत अपन जोर देना पड़े क्योंकि आप खेती कर लोग पशुपालक लोग ढाणी में रहने वाले लोग
अधिकतर खेती माता पर निर्भर रहा करा, पूरे इलाके के मैं दोनों करिया करूं। आज खेती में सब्जी के 35 डांगड़ा नीची बोई है, पानी 40 डांगड़ा नीची बोई है, जगह जगह मैं जानकारी लिया करूं। इवा आने वाले समय में पानी भी जमीन में खत्म हो जी, आने वाले जमाने में पशुपालक धंधो कोई नहीं बराबर रही है। इन वास्ते अपने शिक्षा में जोर देना पड़ी, आप ढाणी खेती कर लोग, बिरानी जमीन में खेती करने वाले लोग बहुत मजबूत है बटेरा। मैं हमेशा विष्णु समाज की कोई मच बात कहया करूं कि अगर विष्णु समाज पूरे भारत में अगर सबों ज्यादा विष्णु है तो वो राजस्थान में है, और राजस्थान में अगर सबों ज्यादा विष्णु है वो जोधपुर जिले में है, और जोधपुर जिले में विष्णु की राजधानी कोई है तो लौट और फुलौदी है। इन वास्ते आप गेरे पानी का लोग हाँ, आमना बटेरा 80-80 फुर बेरा खोदा, बेरा का पानी पीड़ा, आमना फुर का इतना मजबूत है। इन वास्ते बूढ़िया बैठा था, देखो 7-7 फुटा बूढ़िया जो बैठा है, 85-90 साल की आंगी उम्र है। इन वास्ते गेरे पानी का लोग हाँ, इन वास्ते आप बहुत मजबूत हो, चाहे अकाल पड़ो सूखो पड़ो बहुत मजबूत है। इन वास्ते मजबूत जिन तरह आप मजबूती को पानी कमी ही, पुराने जमाने में पानी भी नहीं हो, खेत जोतने साधन नहीं हो, फिर भी आप मजबूत है। और आप बटेरे आपने पहाड़ पोस्ट मोटा किया, आप ना लोगों ने अपील करनी चाहूं, जी तरह बटेरा मजबूत कर आपने इन तक पहुंचाया है, आप मजबूती में बच्चा और बच्चे ने शिक्षा दे रहे हो मजबूती हूँ, चाहे ऊपर कर्जो करोड़ों पड़े, बच्चा और बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दे रहा हूँ। जदू मान जिम्मेदारी मिली राजस्थान की विधानसभा में जानेगी, मैं पहलो फैसलो करो, मैं 25 परीक्षा केंद्र का परीक्षा केंद्र खोला, ढाणिया में परीक्षा बोर्ड का सेंटर खोला है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, ताकि ढाणिया में लड़कियां बारी पड़ी हरी ढाणिया में घर को खाना खार बारी पड़ सके, साथ कोई बार को कस्बे में जाना पड़े, कोई रूम किराए दी लेना पड़े, ताकि मैं 25 बोर्ड का सेंटर खोला है, ताकि लड़कियां ढाणिया में बेटी पढ़ सके, अगर लड़की पढ़े ला तो परिवार को जीवन स्तर सुधरेला। इन वास्ते पूरी कोशिश करा, दो दो कॉलेज खोलाया लोट में, लड़कियों को कॉलेज अलग खोलाया, लड़कों को कॉलेज अलग खोलायो। देश आजादी के बाद में वो नौजवान बेटा पत्रकार बेटा एक बार एक 5 साल गए, एक 5 साल गए कार्यकाल में एक विधानसभा क्षेत्र में दो दो कॉलेज खोलना कोई राजस्थान में उदाहरण नहीं है। एक विधानसभा क्षेत्र में कोई सर्च कर देख लो, एक विधानसभा क्षेत्र में 5 साल के कार्यकाल में दो दो SDU कोर्ट खोलना कोई उदाहरण नहीं है। इन वास्ते कोई कोरकोशन नहीं छोड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में खूब सारी सीनियर स्कूल कराई है, अंग्रेजी स्कूल खोला रहे ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी पढ़ सके, गरीब आदमी पैसा आदमी अंग्रेजी पढ़ा सके प्राइवेट, लेकिन गरीब को बच्चों भी अंग्रेजी की अगर पढ़ा सके वो भी मैं पूरा प्रयास करा। आना ठाणिया में लोगों को जीवन स्तर की अगर सुधर सके, गरीब आदमी को जीवन स्तर की अगर सुधर सके वो मारो हमेशा प्रयास रहे। इवास आप सब लोगों ने मानेवड़े के लोगों ने माने बुलाए मारो मान और सम्मान कियो, लक्ष्मण जी आगे तमाम टीम ने, शर्मा साहब अर्जुन जी ने, तमाम आगे टीम ने, मैं हमारी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ। जिन तरह हमारे लायक कोई सेवा हुई माने आदेश दीजिए, खूब सारो प्रयास करा। जिन तरह पानी की आज समस्या है, मोरिया चापासर की योजना में 325 करोड़ रुपये मंजूर कराया, 325 करोड़ भी 44 गाँव लोट विधानसभा क्षेत्र का है, 30-40 गाँव फुलौदी विधानसभा क्षेत्र का है। इन वास्ते थार मानेवड़ा में भी, मानेवड़ा में भी बहुत जल्दी वे थार मीठो पानी ला रिया, मीठो पानी और मानेवड़े में पीड़ की टगी बढ़ावा, पीड़ की जोरदार पानी बदो, पीड़ की टगी बढ़ावा मानेवड़ा राजा सर में, मानेवड़ा राजा सर में। इन वास्ते कोई शिक्षा के क्षेत्र में पूरा ध्यान दे रिया, शिक्षा के क्षेत्र में गांव और ठाणी लोगों को जीवन स्तर के सुधर सके, गांव बैठे गरीब भी था, क्योंकि मैं बहुत नीचे उठूडो आदमी, मैं राजस्थान की विधानसभा में गई कि मैं बहुत नीचे उठूडो आदमी, मैं फैमिली में मेट्रो काम शुरू करियो है, गाँव को अच्छा नहीं है, गांव में बैठे गांव ठाणी में बैठे आदमी की कई तकलीफ है, सब काम 5 साल में नहीं कर सका, लेकिन काम में समय लगे, लेकिन मारो पूरे रात और दिन में पूरे 1-3 साल में एक दिन भी आराम नहीं किया है। मारो पूरा लक्ष्य है लोगों ने नहर को पानी मिल सके, लोगों ने सड़क की सुविधा के घर मिल सके, ठाणी में जो को मैंने मौको दियो है, मैंने 36 कौम जो को मौको दियो है, समाज जो को मौको दियो, समाज आशीर्वाद दियो है, मेरे वास्ते समाज ने वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, समाज कह दियो आप दूसरी जाति की वोट मांगो, मैं वोट मांग लो, समाज को ऐसा में कभी भूल नहीं सकूं। इन वास्ते आप आशीर्वाद रख दो, काम बाबा लक्ष्मण जी के जो अभी बजाए दो, कोई बात की चिंता मत करियो, चाहे समाज को काम हो, कोई धर्म को काम हो, समाज सुधार को काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में हॉस्टल खोलने को काम हो, कोई समाज कोई मन आदेश दे, मैं हमेशा पर आगे बात लू, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी काम आप शिक्षा के क्षेत्र में करा, सड़क के क्षेत्र में करा, वो सब 37 कौम में मारो लक्ष्य गाँव में बैठे ढाणी में बैठे आदमी को जीवन स्तर की सुधर सके। गाँव में जो आज भी अनपढ़ लोग है, लोग बार बार समाज के चाहे मुकाम को मच है, चाहे जमुड़ा को मच है, चाहे लोट को मच है, सब जगह नशा 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 नशा, साधु संत भी नशे नशे की बात करे ठीक है बात, लेकिन मैं सब लोगों ने अपील करी है, साधु संता ने जद जद बुराई बुराई जद खत्म हो ही,
जब शिक्षा पूरी हो जी, शिक्षा पूरी हो, हर घर में शिक्षा हो। आज मैं कॉलेज खोला रही है, आज मैं लौट में लड़कियों को कॉलेज अलग खोला है। अब बार में लौट की मीटिंग में कहो 20 साल बाद मेरी को रिजल्ट आवला, 20 साल बाद हर थार विष्णु की बड़ लेट गई है। छत्तीस कौम की लड़की बीए मिली, बीए ग्रेजुएट मिली, ग्रेजुएट मिली तो कोई बुराई नहीं हो सके। इन वास्ते शिक्षा जो तू बड़ी अपने आप रामवाणी ना जे शिक्षा, इन वास्ते शिक्षा में ध्यान दो। बुराई 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 नशो नशो इतने मत करो, अपने आप समाज अपने घर को ध्यान रखो। बुराई बुराई करा दूसरे समाज दे के मटो के नशो दसो विष्णु के आपको करे सो विष्णु। इन वास्ते मैं परसों साधु संता ने कहो कि आप तरीके दूसरे तरीके लोगों को समझाने को प्रयास करो। आज मैं एमएलए मेरे घराड़ी आज हा वन पटे हो परसेंट अनपटे वो तो आज एक जयपुरी को लेगी थी अनपटे। मैं एमएलए मेरे घराड़ी आज अनपटे, शिक्षा की बहुत जरूरत है समाज। आज शिक्षा में आज 20-30 साल लग गया अपन शिक्षा देने में। इन वास्ते ज्यादा से ज्यादा बच्चा और बच्चा ने पढ़ाओ और खूब सारो बार पानी के क्षेत्र में सड़कों के क्षेत्र में ये लोग बन गया कर एक साहब सड़क थे कोई लोड में बस बनाओ के बनाओ। मैं आबार थर सड़क पहला मानेड़ो खारी तक होगी, खारी तक काले पब्बा राम जी मन लोड मिले पब्बा राम जी मैं कह दिनों खारी होले ताप ताप सब बने लक्ष्मण देकर तक डामर बढ़ा जा थर चो चो चोइस फुट चोड़ी ये वास्ते लक्ष्मण खारिया मानेड़ा मानेड़ा खारिया लक्ष्मण नगर और आओ आओ ले रोश ते में 54 करोड़ की रोड मंजूर कराई 54 करोड़ की। आओ ले थे मानेड़े रवाना यो आओ ले रोया ओश यहाँ ने एक हवा घंटों की लागी जोर पुरजाओ ने इवास ने आप पूरे क्षेत्र में 350 किलोमीटर सड़क को आंतर इवास में कदी गया करो मैं येड़ी सड़क बना दो एक पांच साल में सब काम भाई बहन हुए। एक पांच साल में मदेड़ा साहब रुपया 8-9-10 एल एम एल ए रहा, राम सिंह जी साहब 10 एल एम एल ए रहा। एक पांच साल में थे मन एम एल ए बड़ा सब काम करने चाहो थे भाड़ जीता बोगरियो काम का भीड़ बजाओ सड़क का मेंगड़े मेंगड़े गिरता है दो कोई बात की चिंता मत करो। इन वास आप सब लोग मन बुलाओ और मारो मान और सम्मान कियो। आप अपील करने चाहो बुराई ने दूर भगाओ, शिक्षा को ध्यान दो, शिक्षा को ध्यान दो, बच्चा और बच्चे में संस्कार हो समाज जो का अमरता देवी का बा अब अमरता देवी का पूर्व अमरता देवी आज आईटी को जमा में आयो इनके जो को मोबाइल फोन आयो है इनको दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इनको दुरुपयोग होने के कारण भी शिक्षा अधूरी शिक्षा नहीं तो पूरी शिक्षा और नहीं कम शिक्षा अधूरी शिक्षा के दुरुपयोग हुए। वे लोग रात और दिन काम करा बड़ी बड़ा दिन भर काम करे रात नहीं को तकियो देर हो कॉमेंट मार खिलाफ ठोक दे पतो लगाओगे बस माटी फेट पुना बैठो है। ये वास्ते इतने गह वास्ते समाज मत करो पॉजिटिव सकारात्मक दो हाँ लोगों ने ताकत मिले हाँ लोगों ने ऊर्जा मिले काम करने की ताकि समाज को भी विकास करा और छत्तीस कौम को इलाके को मारवाड़ क्षेत्र को विकास कर सका। एक बार पुनः कमेटी ने मंदिर निर्माण कमेटी ने सरपंच साहब ने मान्यवर सभी विश्व समाज ने मारी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहूँ मान बुला मान सम्मान क्यों वोट बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जय।